जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने इनवाइट किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत तफसील से मेरी उनकी मुलाकात रही तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा और उन्होंने मुझे दावत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए, क्योंकि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है और बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त लंदन में हैं, लिहाजा मैं आज इस सेक्रेटेरियट में अपने मुहतरम साथियों के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी जमहूरियत का ऐलान करता हूँ। मेरी जिंदगी की तारीख रही है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी पार्टी में मेरी शमूलियत नहीं गई। मैंने सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम के कोटे के टिकट के ऊपर एमएमए का टिकट लिया था 2006 में, जब मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ के सेनेट में पहुंचा और उसके बाद से आज तक मैं जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा कभी किसी पार्टी के अंदर नहीं रहा। लेकिन आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी बदहाली, जो पाकिस्तान इस वक्त सियासी हवाले से जिस अंदाज में इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि हमारा जो इस वक्त मीडिया, जो मैं समझता हूँ कि तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सतून हैं, जिसमें अदलिया है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें दूसरे सतून हैं, उन सतून के साथ साथ एक बड़ा सतून मीडिया है। और आजकल जो हालात हैं आपको मालूम है कि इस वक्त दौर जो है वो मीडिया का है। आपके इलम में है कि इस वक्त पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है। इस क्राइसिस से गुजरने के लिए हमें अपना अपना हिस्सा डालना है और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मैंने फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया तो आप मेरी तारीख को जानते हैं। मैं मुख्तलिफ पदों पर काम करता रहा हूं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं 9 साल वजारत दाखला की सेनेट कमेटी का चेयरमैन रहा, 6 साल मैं कैप्टन डिवीजन जो प्राइम के अंदर आते हैं अदारे, उनके हवाले से मैं कमेटी को
मैं चेयर करता रहा हूँ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के। उसके बाद 2021 में मैं सेनेट की जो सबसे बड़ी कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसका चेयरमैन मुंतखब हुआ। और उसके बाद 2022 में जब मुझे फेडरल मिनिस्टर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन बनाया गया तो मैं कमेटी की चेयरमैनशिप से अलहदा हुआ। और मेरी जिंदगी मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की बात गुजारने की कोशिश की। 18 साल से मैंने कभी हुकूमत पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई प्रिविलेज नहीं दिया, ना मैंने कभी उनसे कोई तनख्वाह ली, ना कोई किसी और किस्म की मुराद मैंने ली। पाकिस्तान के अंदर जो मैं अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सकता था मैंने डालने की कोशिश की। और अब मैं आखिरी बात जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी तौहीन बांधी, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि नेशनल लेवल पे मैं कोई काम कर सकूं। और नेशनल लेवल के ऊपर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई पार्टी इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आता। लिहाजा मैंने फैसला किया है, ये एक वन ऑफ द जो हालात है उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। इन लोगों ने मुझे इज्जत दी है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि इन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया है और कोशिश की है कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने में अपना हिस्सा डाले। बहुत साहब, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेरे साथ जनाब करीम मोदी साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुतशरीफ फरमाए, ममनिर शाह बाचा हमारे सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शाजी खान साहब शुजा खान और मारूफ शाजी खान ये हमारे सेक्रेटरी के, अभी महबूब अजान साहब भी हमारे साथी हैं सारे कहने में वो भी तशरीफ फरमाए यहाँ पे। हम तमाम अपनी जानब से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से सलाम महमूद साहब को खुश आमदेद कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम समझते हैं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत पे इतमाद का इजहार किया, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज के हालात में ऐसी जमात समझा जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल, हमारी क्यादत में तमाम तक सलाहितें हैं, हमारी क्यादत में वो सियासी मुसीबत है जिन मसाइल में पाकिस्तान आज घिरा है उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत मुल्क को निकाल सकती है। इंशाल्लाह जो इनका माजी है सैनेटर तला महमूद साहब का बिला शुबा उनका एक किरदार रहा पार्लियामान के अंदर 2006 से लेकर आज तक, ये मुसलसल सैनेटर चले आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ये नुमाइंदगी करते थे पाकिस्तान के हाउस में और इंशाल्लाह हम तो करते हैं आइंदा भी इनका किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बड़ा मस्बत पॉजिटिव किरदार होगा, सेनेट में हो या नेशनल असम्बली में हो हम इनकी दायित्वों से भरपूर इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया तलब महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टोज़ादानी साहब की तरफ से, दानी साहब की तरफ से, अपनी सूबाई तंजीम की तरफ से सैनेटर महमूद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुश आमदेद भी कहता हूँ। और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने साथ शामिल होने वाले को जो है वेलकम किया है और इंशाल्लाह ताला ये ऐसे महसूस करेंगे कि खानदान में भी शमूलियत हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी सियासी जो बसीरत है उनसे फ़ायदा उठाते हुए पूरे पाकिस्तान में और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो है उससे मुस्तफीद होगी और इंशाल्लाह ताला ये हमारा एक पहला कदम है और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से हमारे साथ और भी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ दोस्त
रबते में और इंशाल्लाह शमूलियत करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह ताला मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह इस तरफ मजबूत नहीं करा जाएंगे। आज इस वक्त भी जो खैबर पख्तूनख्वा में क्राइसिस चल रहे हैं ख्वातीन के हवाले से, रिजर्व सीट्स के हवाले से, औरतों की आज भी हाई कोर्ट ने उसकी पेशी थी और जैसे मैंने पहले कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो है वो रिजर्व सीटों में औरत लेने से जो है वो मतलब है कि डिले टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो खायफ हैं कि अगर रिजर्व सीटों पे ओथ ले लिया जाता है खवातीन से और अगली से तो उनको पता है कि वो बहुत सी रिसेंट ले रहे हैं, लिहाजा यहाँ इस्लामाबाद में बाकी असम्बलियों में सुनी तिहाद कौंसिल तो जमहूरियत और आइन और पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं और जब अपनी बारी आती है खैबर पख्तूनख्वा में तो आज देखें कि जिस तरीके से वो आइन की पामाली कर रहे हैं, कानून की पामाली कर रहे हैं। हम आज भी हाई कोर्ट ने कल सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया हुआ है, हम ये कहेंगे सुनी तिहाद कौंसिल के स्पीकर से कि वो मेहरबानी करें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बैठे आप किसी पार्टी के नुमाइंदे सब नहीं हैं तो आप अपना आइनी और कानूनी जो आपका जो आपको बताता है उस पर जो है आप अमल दरामद करें। उन रिजर्व सीटों के जो तरीकों पर हम जीते हैं जिनको सीटें मिली हैं कल हाईकोर्ट ने उस पर तफसीली फैसले भी जारी किए जिसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो सीटें नहीं बनती थी, ना उन्होंने ली थी, ना उन्होंने कोई नॉमिनेशन पेपर जमा किए थे, लिहाजा ये तमाम पोलिटिकल पार्टी जो कि सब सूबा असम्बली मौजूद हैं उन पर तकसीम होंगी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये जो है इंशाल्लाह ताला जो है जैसी वोट होता है तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह अपोजिशन की तरफ जो है सेंट इलेक्शन में इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे क्योंकि लोग इस वक्त जो खासकर जो बातें सुनने में आ रही है जैसे आपने पंजाब में भी देखा कि सुनने में आ रहा है कि कॉल ब्लॉक बन चुका है तो मुझे तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि बहुत जल्द शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वहाँ पर भी फॉर ब्लॉक का जो है वो ऐलान हो, लिहाजा क्योंकि उनके अपने ये नहीं कि उसके ऊपर कोई मुखालफी लगे हुए हैं अपनी उनके करतूतों की वजह से उनके पार्लियामेंटेरियन उनसे खफा हैं उनको शायद छोड़ के जा रहे हैं उनके रवैये से उनकी पॉलिसीज की वजह से। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ना फॉर ब्लॉक करने की कोशिश की है ना हमने मुबारक तोड़े हैं और ना हम तोड़ रहे हैं। अगर उनके अपने करतूतों की वजह से कुछ चीज़ ऐसे होती है वो आपके सामने, लिहाजा हम आज भी कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है चाहे वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, कल भी अगर आप देखा पाकिस्तान में नेवल पे जो है केस के मकाम पर एक हमला हुआ जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों ने नाकाम बनाया, तो लिहाजा इस वक्त तमाम सियासी जमातों को और कौम को इकट्ठा होकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा, न कि पीटीआई की तरह बार बार ये कहें कि जी इनको जो है सपोर्ट कीजिए। लिहाजा हम अपने सिपा सालार हम अपने फौजी जवान के शान पहचान है और इंशाल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान का आप कौमी लेवल की सियासत करने जा रहे हैं, आप पहले भी सेनेटर थे और वफाकी वजीर भी रहे हैं, थोड़ा सा बता देंगे कि कौमी लेवल की मजीद सियासत में आप किस तरह आप पार्टिसिपेट करें। देखिए इस वक्त जो मेरी मोहतरम पिछली जमात रही है उसकी जो ज्यादातर सियासत है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब और उसके बाद जो दूसरा सूबा है वो है सिंध। इस दो सूबों के अंदर हमारी जो पिछली जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक रहा जमीयत उलमाए इस्लाम से उसमें उनकी कुछ खास कंट्रीब्यूशन है। ये बताइएगा कि आप मौलाना फजलुर्रहमान के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, तीन से चार मरतबा आप सेंटर में मुंतखब हुए, आपने खुद भी बताया कि मुख्तलिफ कमेटियों के आप चेयरमैन भी रहे, बेसिकली नाराजगी की वजह क्या बनी है आपकी मौलाना साहब के साथ क्या आपको यू आई छोड़ के तो पीपल्स पार्टी में शामिल होना पड़ा, नाराजगी मेरा ख्याल है कि इसमें नाराजगी जो है
मैंने तो डिग्री भी किया मैदान तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट एक टका दिया अपने आवाम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, मुझे नेशनल लेवल पे अपनी आवाम के लिए मैदान में निकलना फ्लोर चाहिए, एक फ्लोर चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं आज समझता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी से बेहतर कुछ लोग नहीं है। बुखार साहब बात यह है दूसरी जमात पे शिरकत कर रहे हैं, नॉर्मली अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको उस पार्टी को फौरन छोड़ना पड़ा जिसमें जिससे आपने इलेक्शन अभी लड़ा चित्रा में और पाकिस्तान की पार्टी को ज्वाइन किया, ऐसा कुछ तो हुआ? देखिए फौरन तो है नहीं, मैंने अभी आपको जिक्र किया है एक हफ्ता पहले कोविड था उससे पहले उनसे मेरी बातचीत चल रही थी जब उन्होंने मुझे ऑफर किया। बुखार साहब सवाल ये है कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है सियासत में तो ये चलता है कि पार्टियों में भी आगे पीछे इंसान जाता है और लीडर ही और कुंदी साहब जब से कोशिशें कर रहे हैं तो बड़ी केपीके में से तो बहुत सारी विक्ट्री उन्होंने उड़ाई है और ये तो एक बहुत बड़ी फिगर है तला महमूद साहब जिन्होंने अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मेरा सवाल यह है कि केपीके का जो गवर्नर है उसके लिए आपने किसी शख्स को क्या नामजद किया है, अगर किया है तो उसका नाम बता दीजिएगा। बिल्कुल मेरी क्यादत फैसला करेगी और क्यादत ही अनाउंस करेगी। जब मुनाफ़द वक्त आएगा तब नई क्या अनाउंसमेंट कर देंगे, अभी आप बेचैन ना हो इंशाल्लाह। ठीक शख्सियत को गवर्नर पाकिस्तान की पार्टी नामजद करें। अभी अपोजिशन में आई मुज़ाहमत की सियासत उससे शुरू की आपने साथ छोड़ दिया, क्या मौलाना फजल रहमान को मशवरा देंगे कि मुज़ाहमत की सियासत छोड़े? और मैं जो आपने दूसरी बात की बहुत अहम की है, इस वक्त पाकिस्तान को अफाम और तफहीम की जरूरत है, पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म तक अब एक प्लेटफॉर्म पे इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त हमारी जरूरत पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आवाम की सालमियत, पाकिस्तान की मईशत की सालमियत की जरूरत है। देखिये मैं एक बात बताता हूँ, मैंडेट तो बहुत जगह चोरी है, मैं इस वक्त दावा करता हूँ ये पूरा मीडिया जिस जगह से मैंने इलेक्शन लड़ा मैं इस पूरे मीडिया को चैलेंज करता हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा वहाँ पे पीटीआई ने मेरा मैंडेट चोरा है और उसका सबूत वो पोलिंग स्टेशन है जिन पोलिंग स्टेशन में उनके जो टोटल वोट थे उससे भी ज्यादा पार्टी का